कारोबारी से 1.25 करोड़ की ठगी में मध्य प्रदेश के 2 जालसाज गिरफ्तार। 1.25 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में कटघरे पुलिस ने मध्य प्रदेश के 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दोनों ने महानगर के कारोबार का मोटा मुनाफा दिलाने के बहाने ठगी की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित फिरोज आलम थाना कटघरे का रहने वाला है। उनकी फर्म रॉयल ट्रेडर्स के नाम से है, कार्यालय लाल नगरी में है। उन्होंने कोर्ट के निर्देश पर कटघर थाने में मोहम्मद सईद, मोहम्मद अहमद व शाह मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने मोहम्मद सईद और मोहम्मद अनीस को गिरफ्तार कर लिया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज आलम है। फिरोज आलम जी, कहाँ रहते हो? मैं लाल नगरी करोला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? ये मेरे साथ क्या हुआ था, असल में मध्य प्रदेश पीतमपुर में एक प्लांट दिखाया गया था मुझे, जिसका स्क्रैप मैं खरीदता हूँ, स्क्रैप का काम करता हूँ। इन्होंने मुझे स्क्रैप दिखाया, मैंने देखा, बाकी इसके सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने फर्जी मुझे दिए। यहाँ तक कि हाईकोर्ट DRT का जो डेवलपर का था, उसका भी लेटर इन्होंने मुझे सब कुछ फर्जी दिया। ये 8-10 लोग हैं, इनकी पूरी टीम है। इन्हें मैंने 1.25 करोड़ रुपये नंबर एक में और कुछ कैश में दिए मैंने इन्हें, और 5 साल से मैं इनके पीछे था। प्रशासन ने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, लेकिन ये कि प्रशासन ने मेरा साथ दिया और आज ये लोग यहाँ तक गिरफ्तार हुए। अब उम्मीद ये है कि शायद मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, बाकी इन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन लोग गिरफ्तार हो गए? वह ये सईद, मोहम्मद सईद हैं और एक अनीस हैं, ये दोनों सगे भाई हैं, और बाकी जो चार लोग हैं इसमें रह गए हैं अभी। कौन कौन रह गए, क्या नाम है? शाह मोहम्मद हैं और एक क्या नाम है, मैं देखा नाम मुझे ध्यान दे रहा, ये थे, ये चार लोग हैं जो अभी रह गए हैं। कितने का सौदा हुआ था? ये 34 करोड़ का सौदा था और मैं 1.25 करोड़ रुपए इन्हें दे चुका था, कुछ नंबर एक में और कुछ उसमें कैश में। इसमें इन्होंने मुझे चेक भी दिए थे, सब कुछ इनका फर्जीवाड़ा था। इनका तो इन काम ही फर्जीवाड़ा है, एक बात नहीं, बहुत कई लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर चुके, बहुत बड़ा गैंग है इनका। कब मुकदमा लिखवाया था? मैंने अब से 5 साल पहले थाना कटघर में मुकदमा लिखवाया था मैंने इनका, और जब से ही मैं कार्रवाई में लगा हुआ था, प्रशासन मेरा बराबर साथ दे रहा था और आज भी मुझे प्रशासन ने ही साथ दिया और प्रशासन से ही मुझे उम्मीद है कि मेरा पैसा भी मिल जाएगा। क्या मानते हैं योगी सरकार? योगी सरकार जी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है और अच्छा काम किया है, और यहाँ के जो SP साहब हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो पूरी टीम थी सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया और सही काम किया। अब उम्मीद है कि मेरा पैसा मिल जाए। अब आप क्या चाहते? बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरा पैसा मुझे मिल जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये इबरतनाक बन जाए। आपके अलावा और लोगों के साथ एक कई के साथ किया, कई टीमें ऐसी हैं जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया, उन लोग मुझे भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं कार्रवाई, कुछ नहीं कर पाते। मैंने कार्रवाई की, मुझे तो क्योंकि बहुत लंबा फ्रॉड किया था। क्या मानते हैं 5 साल बाद आपको? 5 साल बाद इंसाफ मिला, मैं योगी सरकार का धन्यवाद दूंगा और SP साहब का भी धन्यवाद दूंगा और पूरी टीम का धन्यवाद दूंगा। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सेजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हर रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।